पहले तो मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब सब लोगों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं दीपावली सॉरी दशहरे की विजय पर्व की, क्योंकि आज एक्चुअल में विजय मेरी आज हुई है। अभी मैं जस्ट कोर्ट से चला आ रहा हूँ और कोर्ट से सीधे मैं आप लोगों से मुखातिब हो रहा हूँ। मेरी ये फिल्म है गांधीगिरी, जिससे मैं पिछले 10 सालों से मैं इस पर रिटर्न का काम कर रहा था, लिखाई इसकी कर रहा था, इसकी प्लानिंग कर रहा था, बनाने की प्लानिंग कर रहा था, और पिछले 3 सालों से ये फिल्म अलग अलग शेड्यूल्स में शूटिंग पर थी। और फिल्म के जस्ट रिलीज़ के कुछ दिन पहले ही पता चला कि फिल्म से मेरा नाम आउट कर दिया गया। पूरी मीडिया को पता है, सारे लोगों को पता है, 300 लोगों का क्रू मेरे साथ काम कर रहा था, सबको मालूम है कि इस फिल्म का डायरेक्टर राइटर मैं हूँ। लेकिन एंड टाइम पर मेरी फिल्म का नाम, मेरी फिल्म से मेरा नाम हटाया जाना, ये मुझे तकलीफ़ हुआ। इसको लेकर मैं कई लोगों के पास गया, मैंने पूरी साहब से भी बात किया, लेकिन सब लोगों ने अलग अलग तरीके की अपनी बातें रखी। फिर मैं कोर्ट गया और कोर्ट से आज मुझे जजमेंट मिला है। आज मैं विजय पर्व मना रहा हूँ, दशहरा मना रहा हूँ, आज मेरे फेवर में कोर्ट ने मुझे जजमेंट दिया है। मैं भारत की न्याय व्यवस्था और आप सब लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। गांधी जी की कोई बात नहीं है इस फिल्म में, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ मेरी है और इसमें मेरे विचार हैं। मेरे विचार से गांधी को क्या होना चाहिए था, गांधी जी क्या थे, ये मुझसे उसका मतलब नहीं है। ना मैं बहुत ज़्यादा गांधी जी से इंस्पायर्ड हूँ, मैं भगत सिंह ब्रिगेड का आदमी हूँ तो मैं भगत सिंह से इंस्पायर्ड हूँ। बट फिल्म का नाम है गांधीगिरी। गांधी जी को क्या होना चाहिए था आज के ज़माने में, वो मेरी फिल्म का मुद्दा है। अगर इस फिल्म के बारे में कोई एक्टर या कोई इस फिल्म से जुड़ा हुआ आदमी कोई स्टेटमेंट देता है तो उसका अपना व्यक्तिगत विचार हो सकता है। इस फिल्म को मैंने लिखा है इसलिए मुझे मालूम है कि इस फिल्म में मेरी विचारधारा है, मेरी थाट्स है, देश को लेकर के, सेकुलरिज्म को लेकर के और डेमोक्रेसी को लेकर के जो चीज़ें बातें हैं, जाति में जैसे लोगों को वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया जाता है, धर्म के लोगों को धर्म के लिए भी वोट बैंक में इस्तेमाल किया जाता है, इस तरह से इस देश को ज़रूरत है एक जैसे कानून व्यवस्था की, एक जैसे समान न्याय संहिता की, सबके लिए एक कानून हो, सबके लिए एक व्यवस्था हो, ये होना चाहिए। जैसे इसमें गांधी जी छपे हुए दिख रहे हैं तो इसमें कौन से अभिनेता होंगे जो गांधी जी का रोल प्ले करेंगे? गांधी जी का रोल एक्चुअल में नहीं है इस फिल्म में, एक रोल मॉडल है हमारे ओम पुरी साहब, जिन्होंने राय साहब का किरदार इस फिल्म में अदा किया है। और ये कह सकते हैं कि आप इस फिल्म में एक गांधी जी का प्रतिनिधित्व करने वाला, उनके उनके विचारों को, उनकी चीज़ों को कुछ समझने वाला या उनकी चीज़ों को फॉलो करने वाला एक कोई फॉलोअर है। और उसके आसपास की बहुत सारी चीज़ें हैं, सिस्टम है, आज का जनरेशन है, आज की प्रॉब्लम्स हैं, इन्हीं सब को लेकर के कहानी का एक ताना बाना बुना गया है फिल्म। आपने कहा कि 300 लोगों का क्रू और डायरेक्टर आपके फिल्म में आपको निकाल दिया गया, क्या वजह थी, क्यों निकाला गया? निकाला इसलिए गया भाई साहब कि मैं आप मीडिया बंदों के सामने मैं ये इस चीज़ को बोलना चाहता हूँ, इस फिल्म के पीछे जो कुछ लोग जुड़े हुए हैं, नए नए जो धनाढ्य बन जाते हैं, धन पशु बन जाते हैं, जिनके अंदर इंसान नाम की कोई चीज़ नहीं बनती बचती है, उनको ये नहीं पता होता कि किसी आदमी ने अगर किसी चीज़ का सृजन किया है, किसी चीज़ को जनरेट किया है तो कितने साल उसने लगाए होंगे। एक सीधा सरल इंसान है अगर, तो उसको आप कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हो। मुंबई में आने के बाद आप यहाँ पर चंद पैसे खर्च करके किसी को भी खरीद सकते हो, उनके अंदर ऐसा अहंकार हो गया। हमारे दिल्ली के एक कह सकते हैं हेड कॉन्स्टेबल हैं या जो भी है पुलिस ऑफिसर हैं, मुझे उनके बारे में जानकारी नहीं, उन्हीं का पैसा इस फिल्म में लगा हुआ है। और जब मैंने उस फिल्म के बारे में उनको बोला कि भाई 20% की मेरी पार्टनरशिप है, उसको लेकर मेरा एग्रीमेंट करा दीजिए, तो उनको इस बात से तकलीफ होने लगी कि ये आदमी 20% का पार्टनर कहाँ से हो सकता है फिल्म में। 10 साल से मैं इस फिल्म पे काम कर रहा हूँ और मैं प्रॉफिट में आपसे पैसे मांग रहा हूँ, तो ये कोई गलत तो नहीं है ना। इस बात को लेकर उन्होंने कहा कि जो फिल्म के इसका नाम ही नहीं रहेगा तो ना इसको देनी पड़ेगी पार्टनरशिप और ना क्रेडिट देना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया। अच्छा सर, कोर्ट का फैसला है तो क्या कोर्ट फैसला? आज मैं बहुत खुश हूं और मैं पहले भी खुश था, क्योंकि मुझे मालूम था सच की जीत होनी ही है। और आज अभी जजमेंट आया है कि मेरे नाम के बगैर राइटर और डायरेक्टर फिल्म रिलीज नहीं होगी, ये मेरे लिए खुशी की बात है और मैं आज बेहद खुश हूँ। ये फिल्म कंप्लीट हो गई है, 21 तारीख को रिलीज हो रही है ये, आप प्रोड्यूसर लोगों के हिसाब से, अब मेरे हिसाब से कब होगी मुझे नहीं पता है। ये पिक्चर की मतलब कब कंप्लीट हुई, कंट्रोवर्सी कब हुआ? कंट्रोवर्सी आज के 20-25 दिन पहले शुरू हुई, जब ये बातचीत हुई कि मैं एज ए पार्टनर मेरा एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ, उसके बाद से कंट्रोवर्सी शुरू हुई। अच्छा, देखिए पुरी साहब के बारे में मैं जो यही बोलूंगा कि इस फिल्म को जब मैंने प्लान किया था तो मैंने पुरी साहब को दिमाग में रखकर, उनके करेक्टर को और उनके बॉडी लैंग्वेज को, उनकी इमेज को ध्यान में रखकर मैंने इस फिल्म को लिखना शुरू किया था। और मैंने लगातार 1 साल मैंने उनके पीछे उनको कन्विंस करने के लिए, उनको अपनी बातें समझाने के लिए मैं उनके पीछे काम करता रहा। इतने दिनों में मैंने उनको बहुत कुछ समझा।
वो मेरी बातों से कम्युनिकेट हुए, उन्होंने सब्जेक्ट को समझा, उन्होंने इस चीज़ को सराहा और उन्होंने फिल्म में काम शुरू किया और शूटिंग के दौरान भी उन्होंने मुझे बहुत कोऑपरेट किया। जो सच है वो मैं बोलने से कतराता नहीं हूँ, लेकिन पिछले दिनों जो सब बातें हुई उस बात को लेकर मुझे दुख हो रहा है और मुझे इस बात को कहने में ज़रा सा भी संकोच नहीं हो रहा है कि मुझे दुख हो रहा है कि मैंने इतनी फील्डिंग की उनको लेकर के, उनके मेरे दिमाग में जो इतना उनकी इमेज बनी हुई थी वो इमेज कहीं ना कहीं से डिस्टर्ब हुई है। मैं इस चीज़ को लेकर बेहद आहत हूँ कि मतलब उनकी ऐसी सोच हो सकती है अपने देश को लेकर। देश से बड़ा तो कुछ भी नहीं है, देश से बड़ा कुछ भी नहीं है, देश है तो हम हैं और देश के आगे सारी चीज़ें शून्य हो जाती हैं। किसी गैर मुल्क को लेकर हम कोई बात नहीं कर सकते, जहाँ तक हमारी सुरक्षा सैनिकों की बात है हम वहाँ पर अपने देश के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं। मिश्रा जी, सवाल यह है जी कि आपने कहा कि आप भगत सिंह की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, ओमपुरी साहब लगातार खुलेआम पाकिस्तानी कलाकारों का समर्थन कर रहे हैं जी। आपकी फिल्म भगत सिंह की विचारधारा को आगे बढ़ाती है जो कि देश के कट्टर है, आपको लगता नहीं कि आपकी फिल्म को इसका नुकसान हो सकता है? अब देखिए, मैंने फिल्म को नफा नुकसान तो एक कलाकार और एक लेखक या दार्शनिक नहीं देखता है, वो अपनी चीज़ों को लोगों के सामने रखता है। तो मैं एक लेखक हूँ और एक निर्देशक हूँ, मैंने फिल्म बनाया है और फिल्म को एक फिल्म में जो लोग सोच रहे होंगे कि गांधी जी का जैसा कुछ वैसा, तो फिल्म नहीं, आज की जनरेशन की चीज़ें हैं, आज की चीज़ें हैं, कहानी है। मुझे लगता है कि ऑडियंस को ये फिल्म पसंद आएगी, हर हालत में पसंद आएगी। लेकिन पिक्चर पूरी जी की वजह से कंट्रोवर्सी में आगे पूरी तरह, मतलब इनको अभी समर्थन कोई नहीं करने वाला क्योंकि पूरी, हाँ मेरी एक्चुअल में क्या, पूरी साहब आजकल जहाँ कहीं पर भी डिबेट हो रहा है या कहीं बात हो रही है या उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बगैर बुलाया जा रहा है, गांधीगिरी के लिए प्रोड्यूसर लोग अपने पैसे खर्च करके उनको बुलाते हैं, तो वहाँ पर गांधीगिरी फिल्म के बजाय वो गांधी जी और देश और अपने जो 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 कह सकते हैं कि उनके जो अपनी थॉट्स हैं उनको ज़्यादा लोगों के बीच में लाने की कोशिश करते हैं। मैं उनको मानता हूँ, अगर देश के लिए इतना ही चिंतित है तो मेरे साथ जो मिसबिहेव हुआ इतने दिनों तक, उनको एक एक चीज़ की जानकारी थी, उन्होंने कभी मीडिया में क्यों नहीं बोला इस बात को? हाँ, मैं उनके साथ हूँ और मैं हर राष्ट्रवादी इंसान के साथ हूँ, चूंकि मैं खुद राष्ट्रवादी हूँ और मैं यहाँ पर किसी तरह का कोई जिस्म का सौदागर नहीं हूँ। मैंने अपना खून जलाया है 20 साल, तब मैंने इंडस्ट्री में मैं थोड़ा सा नाम और फेम में कमाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों के बीच में खड़ा होने की हिम्मत जुटा पा रहा हूँ, तो मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। मैं खुद एक राष्ट्रवादी इंसान हूँ और मुझे किसी भी चीज़ को लेकर अगर अगेंस्ट में है हमारे राष्ट्र के, तो मैं उसके विरोध करूँगा हमेशा। सर, आपका अगला कदम क्या होगा जो आपकी मांगे नहीं मानी? मेरा अगला कदम, मेरी मांगे तो ये लड़ाई तो मेरी जारी रहेगी, बाकी अगर लंबी प्लानिंग के बारे में सोचे तो मैं चाहता हूँ कि ये दुनिया, इस जन्म में इस दुनिया को इतना अच्छा करके जाऊँ कि दोबारा हूँ तो मुझे ऐसे प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। जी हाँ भाई साहब, जी हाँ, मेरे पास है, अभी मैं लेके आया हूँ तुरंत। जी हाँ, मैं इसको मेरे मोबाइल में मैं शो कर सकता हूँ। मोबाइल लाओ, कहाँ गया मेरा? अभी देख सकते हैं, जब मेरी फिल्म शुरू हुई 2006 में मैंने इस फिल्म को अनाउंस किया था। ये मेरी 14 फिल्में हैं, 12-13 फिल्में हैं जिसमें मेरा नाम एज ए सनोज मिश्रा, हिंदी की फिल्में हैं इसमें और कई सारे भाषाओं की फिल्में हैं, ठीक है। ये 2009 में मेरी फिल्म अनाउंस हुई, उसका अनाउंसमेंट इसमें रिटन एंड डायरेक्टेड बाय सनोज मिश्रा, प्रोड्यूस बाय श्री पद्मश्री अनूप जलोटा जी। उसके बाद ये मैंने 2011 में स्क्रिप्ट पहली बार ऑनलाइन को रजिस्टर्ड कराया। 2011 अनाउंसमेंट हुआ फिल्म का, 2014 में मैंने ये सारे स्क्रिप्ट पूरी लिखी और इसको मैंने अपने नाम से रजिस्टर्ड कराया 26/11/2014। फिल्म के शूटिंग के दौरान इतने सारे कवरेज हैं, जितने लोकेशंस रायबरेली, लखनऊ, जैसलमेर, हरियाणा, दिल्ली, मुंबई, एवरीथिंग, और मेरे साथ 300 लोगों का क्रू, ये सारे कवरेज वहाँ के और ये सारे स्टिल फोटोग्राफ्स शूटिंग के दौरान, इन सबको हमारे निर्माता महोदय ने नकार दिया और बोले कि डायरेक्टर कोई एस मिश्रा था। एस मिश्रा, ये मेरा एग्रीमेंट भी हुआ उनके साथ 20% का, ये भी इस पर जूम करके भी आप देख लीजिए, इसमें साफ लिखा हुआ है कि प्रॉफिट में इन 3 सालों में मैं 100 रुपए का भी रवादार नहीं हूं, कि मैंने एज ए राइटर, डायरेक्टर और एज ए टाइटल सब कुछ मेरा है, लेकिन मैंने कोई मेहनताना नहीं लिया।